हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोगों ने ट्रेलर में देख ही लिया है, जिसमें कि मैंने इवनिंग और नाइट का व्यू दिखाया है, आज हम जा रहे हैं एक जंगल कैफ़े में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बल्लोपुर चौक पे, और जैसे कि आप सभी को पता है, देहरादून में कहीं निकलो और ट्रैफिक ना मिले तो ऐसा हो सकता है क्या? तो फाइनली हमने ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए थोड़ा आगे निकलते हैं। जब भी मैं इस वाली रोड से गुजरती हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि इसमें रोड के दोनों साइड ना आपको पेड़ देखने को मिलेंगे और कभी कभी काफ़ी अच्छी फ़ोटो भी आती है, वीडियोग्राफी भी काफ़ी अच्छे से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं टपकेश्वर चौक पे, और यहाँ से हम लेंगे राइट और जाएंगे यहाँ से कैंट वाले रास्ते पे। तो वीडियो में बने रहें, लोकेशन आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगी, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, छोटी सी वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखें। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कैंट वाले रोड पे, और जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे काफ़ी शांति वाला माहौल रहता है। और अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे मसूरी डाइवर्जन पे, जो कि सामने वाला रास्ता जाता है मसूरी को, और हम जाएंगे लेफ्ट किमाड़ी को। बस हमारे दोस्त यहाँ पे आने वाले हैं, उनका वेट हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखो दोस्तों, ये है 1947 का टैंक। इस टैंक में टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं तो मैडम के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये लो, हमारे दोस्त भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तो चलिए जल्दी से यहाँ से हम अपनी जर्नी को फिर से स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि हमारा प्लान था, वहाँ पे हम सनसेट देखना चाह रहे थे, लेकिन कंडीशन देख के लग रहा था कि सन तो पहले ही सेट हो चुका है और हमें सनसेट देखने को नहीं मिलने वाला है। लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का एंजॉय तो हम जरूर लेंगे और आप लोगों को भी जरूर दिखाएंगे। बस यहाँ से पुल क्रॉस करने के बाद ये बड़ा सा होटल आपको लेफ्ट में मिलेगा, उसके बाद दो तीन मोड़ के बाद यहाँ से हम लेंगे राइट टर्न, जो कि नीचे की ओर जाता है। चलो ना, अंदर एंटर करते ही लेफ्ट में यहाँ पे इनका किचन है, और बाकी आप सामने आपको तो सिटिंग एरिया दिख ही रहा होगा। कुछ सिटिंग अरेंजमेंट इन्होंने अपने किचन के रूफ पे भी किया है, वहाँ पे भी आप लोग रात को बैठ सकते हैं। लेकिन हम जब इतनी सुंदर जगह आए हैं तो हम किसी खुली जगह में बैठना चाहेंगे, और ये देखें इसके ऊपर पूरा पूरा जंगल है, तो यानी कि बिल्कुल जंगल वाला फील आपको यहाँ पे आने वाला है। और लो, थोड़ी देर में हमारा ऑर्डर भी आ जाता है। एक बार आप यहाँ पे आके यहाँ के कबाब और वेज मोमो ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि वो सच में बहुत ही टेस्टी है। और जो मेरे जैसे लोग हैं जो कि चाय में मीठा कम पसंद करते हैं, उनके लिए तो यहाँ पर चाय क्या ही बताऊँ, एकदम लाजवाब बनती है। तो चलिए, आप देख ही सकते हैं मेरे दोस्त लोग कितने अच्छे से जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये देखिए व्यू। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और एक बार यहाँ पर आके एंजॉय ज़रूर करें। आई एम श्योर आपको भी यहाँ पे आके ज़रूर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।